विदिशा जिले के सिरोंज में एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभिषेक शर्मा अपनी पत्नी के साथ लटेरी आरोन बायपास रोड पर खड़ा हुआ था कि तभी दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और पत्नी के हाथ में रखा मोबाइल छीन कर ले गए। इसी दौरान जब महिला के पति अभिषेक ने उन्हें रोका तो एक लड़के ने सिर में पत्थर मारकर हमला किया और इस दौरान अभिषेक घायल हो गया। मौके को देखते ही लुटेरों ने अभिषेक की जेब में रखे लगभग 15,000 रुपए छीन कर भाग निकले। अभिषेक ने पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी सिरोंज संदीप कुमार पवार के द्वारा टीम गठित कर नाकाबंदी की गई। कुछ ही देर में दोनों आरोपियों को नवीन बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। कल एक फरियादी अपने पास थाने को रिपोर्ट करने आया कि कल शाम 4:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी के साथ आरोन रोड पर चौराहे पर खड़ा था। दो व्यक्तियों ने आके उससे मारपीट करी और उसकी पत्नी का मोबाइल छीन कर ले गए हैं, जिस पर अपने अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत आरोपियों की तलाश पतासाजी की थी। उस पतासाजी के दौरान दो आरोपी पकड़ाए हैं जिनसे वक्त घटना छीना गया मोबाइल और राशि बरामद की गई है तथा घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है।